नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महज 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले के घाव से अभी ईरान उभरा भी नहीं, इस बीच उसको अमेरिका ने एक और जख्म दे दिया है। बता दें, पड़ोसी देश इराक से खबर है कि अमेरिका ने एक हवाई हमला किया जिसमें एक मिलिशिया के कमांडर अबू तकबा की जान चली गई। कहा जा रहा है कि अबू तकबा को ईरान का समर्थन माना जाता था। अमेरिका हमला इराक के मध्य इलाके में हुआ है, वहीं गुरुवार को यह हमला हुआ है जिसकी जानकारी अब मीडिया में सामने आई है। इस तरह अब इसराइल और हमास जंग का तनाव इस पूरे इलाके में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब इराकी अधिकारियों का अमेरिका पर गहरा दबाव है। इराकी अधिकारी लगातार अमेरिका और उसके नेतृत्व में बीजेपी और दूसरे देशों की सेना पर प्रेशर बना रहे हैं कि वे जल्द से जल्द उनके देश को खाली करें। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या PMF लड़ाकों का एक समूह है। यह कुछ हद तक इराकी सेना के भी नियंत्रण में है। इसी PMF संगठन के बगदाद ऑपरेशन का डिप्यूटी हेड अबू तकवा था। बता दें कि PMF ने कहा है कि यह अमेरिका का आक्रामकता का नतीजा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाते हुए यह कबूल भी किया है कि अमेरिका ने ही कल गुरुवार को इस हमले को अंजाम दिया और अबू तकवा लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर भी था। उसकी वजह यह है कि हरकत अल नजावा समूह के नेता अबू तकवा ने अमेरिकी अधिकारियों पर हुए हमलों में खास भूमिका निभाई थी। इस वजह से अमेरिका तकवा से खार खाए बैठा हुआ था। यही वजह है कि हरकत अल नजावा समूह को अमेरिका ने साल 2019 से ही आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है।